लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज मध्य प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर मतदान किया जा रहा है। भोपाल में भी सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में अपना वोट डाला। कोलार के मदर टेरेसा में पहुंचकर वीडी शर्मा ने मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में मतदान करें। अभी मतदान किया है और आज मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि मैंने मतदान किया है, आप भी मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक मत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा, इसलिए आप मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। जो लोग आपके मित्र रिश्तेदार परिवार के सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें और मतदान केंद्र तक पहुँचाएँ, ये मैं आज आप सबके माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करता हूँ। वही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन अपनी धर्मपत्नी श्रीमती स्मिता राजन के साथ भोपाल के 4 इमली स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान राजन ने मतदान केंद्र में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए लकी कूपन ड्रॉ काउंटर का अवलोकन किया और कूपन भरकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आज तीसरे चरण का मतदान है, आपसे आग्रह है कि आप अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट करें। लोकतंत्र में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हमको मिला हुआ है, हमें इस अधिकार को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने मतदान केंद्र पे जाइए और आज वोट जरूर कीजिए। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मतदान करने पहुंचे। आलोक शर्मा ने चौक बाजार स्थित जैन मंदिर में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील की कि वह अपना मतदान जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में चुनकर सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचा रही है। इस बार भोपाल की जनता जनार्दन को कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, मैं परिवार का बेटा हूं। भोपाल की जनता में अपने मत को लेकर देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जबरदस्त उत्साह है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज भोपाल का बढ़ेगा, क्योंकि आज भोपाल में 6 बजे से ही मतदाता माता बहन बुजुर्ग युवा सब लोग पहुंच गए हैं। पहली बार का जो वोटर थे युवा है उसमें भी बड़ा उत्साह है कि पहली बार वो अपने मत का उपयोग कर रहा है और वो कहीं ना कहीं उसके मन में दिल में यह है कि वह नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री वे बने और पहली बार वो अपने मत का प्रयोग कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।